डिपार्टमेंट हाय हाय दिल्ली डिपार्टमेंट हाय हाय सीएचसी हाय हाय सीएचसी हाय हाय सीएचसी हाय हाय दिल्ली डिपार्टमेंट हाय सीएचसी हाय हाय सीएचसी हाय हाय सीएचसी हाय हाय दिल्ली डिपार्टमेंट हाय बिजली का हाहाकार। परसों रात की गई हुई, आज सुबह आई, कोई पूछने वाला नहीं है। आंधी थोड़ी सी गई, बिजली ठप। जब बिजली वालों को फोटो 33 KVA उड़ गया, फिर पूछो पीछे से लाइट नहीं आ रही, आगे वाले पीछे, पीछे वाले पीछे, 32 KVA उड़ गया, लेकिन कोई जवाब दे देने का प्रयास नहीं करना चाहता है। जब बिजली नहीं तो पानी वाले आ गए, मुंह खोल करके बैठे हुए हैं। अरे टेम्परेचर 42 और पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, और माननीय उपराज्यपाल जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं एक ट्रांसफार्मर खराब होता है 12 घंटे में लगना चाहिए, और उनकी बात नीचे धरातल पर पहुँच नहीं रही है। मैंने कल कमिश्नर से भी बात करी बिजली के, PHE से भी बात करी, लेकिन धरातल के अंदर जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो डिपार्टमेंट के अंदर आकर के मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीमान कमिश्नर साहब उठाओ उनको और उनका इधर का उधर करो, उनको शहर में रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपने कार्यालय से बाहर नहीं आते, कुछ PHE वाले परेड ग्राउंड के अंदर नहीं पहुँच पाते अपने कार्यालय के अंदर, और बिजली विभाग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते थे, अब शहर के अंदर उनको लगा दिया गया है जिनको शहर के अंदर कोई जानकारी नहीं है। पैसे आप पूरे लेते हैं, व्यवस्था आप पूर्ण करते हैं, और आपको जानकारी नहीं है। इसलिए आज का प्रोटेस्ट, ये पुरानी पक्खी झोल करके या पक्खी जलाने का कार्यक्रम आ गया है, अब पंखे जो हैं, अब अगली बार जब ये नहीं ठीक होगा तो पंखों को भी आग लगा देंगे। लेकिन कहना चाहता हूँ, माननीय उपराज्यपाल जी ने एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास करा है, लेकिन नीचे लागू नहीं हो रहा, इसलिए मांग कर रहा हूँ कृपा करके ऐसे कदम उठाओ जिससे लोगों को राहत मिलने का प्रयास हो और एक अच्छी व्यवस्था बन पाए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।